गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा फिर से हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के। तो बेटा ये वीडियो ना आपके लिए बहुत खास होने वाला है, और मैं ऐसी ही खास खास वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो करना क्या है वीडियो, वो वीडियो को, हाँ बेटा, आप शेयर करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक बेटा, कोई इम्पोर्टेंट बात है तो वो आपसे मिस ना हो पाए, आप समझ रहे हो ना बेटा। हाँ, तो जल्दी से लाइक करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको लास्ट में ऐसी बात बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है रियलिटी में बेटा। आप जब देखोगे तो समझ जाओगे कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बोला था। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझते हो बेटा। तो आप देखिएगा तो आपको खुद ही पता लगेगा। ठीक है, तो चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में देखते हुए। ठीक है बेटा, क्योंकि ये वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेटा दूसरा इम्पोर्टेंट, मतलब दोनों चीज़ें मज़ेदार भी है और ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या है वीडियो, तो आप देख रहे होंगे कि हम इस वीडियो में लेके आए हैं टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और टॉप एडिट कॉलेज, और बेटा टॉप कुछ हम 10 लगभग कॉलेज लेके आए हैं जो प्राइवेट हैं। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुछ बच्चे हमारे ये सोचते हैं कि मतलब हमने प्राइवेट कॉलेज से अगर पॉलिटेक्निक कर ली तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, या एड से कर ली तो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो बेटा मैं एक बात श्योर करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने वैल्यू कम है या वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ से भी करें वैल्यू बराबर है। है बेटा, थोड़ा तो नाम होता ही है कि भाई लोग कहते हैं यहाँ जी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो थोड़ा तो भाई फ़र्क पड़ता है, लेकिन बेटा ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप भी समझ जाओगे इन बातों को। तो बेटा कहने मतलब ये है कि अगर आप एडिट कॉलेज से भी करते हो, अगर हमारा नंबर कम है, तो एक साल मैं ही कहूँगा कि आप इंतजार मत करो, अगर हमको एडिट कॉलेज मिलता है तो हम एडिट कॉलेज से ज़रूर कर लें। बस बेटा हाँ ये है कि जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। हमारा गवर्नमेंट में लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये लग जाता है, लेकिन स्कॉलरशिप आ जाती है। और बेटा वहीं पर अगर हम एडिट कॉलेज में लेते हैं तो वो हमारा 19 से 20-22 हज़ार तक मतलब खर्चा चला जाता है कॉलेज का, लेकिन वहाँ पर भी वही स्कॉलरशिप बढ़ के आ जाएगी, है ना बेटा। तो थोड़ा सा खर्चा आप मैक्सिमम 25 हज़ार मान के चलिएगा पर ईयर का। ठीक है बेटा, हॉस्टल वगैरह लगा करके हाँ 25 हज़ार नहीं, हॉस्टल का नहीं बेटा, हॉस्टल तो नहीं शामिल हो पाएगा, 20-22 हज़ार तो हमारा स्कूल का खर्चा आ ही जाएगा, ये मान के चलिएगा बेटा। ठीक है, बाकी आपका रहने का खर्चा आएगा। ठीक है बेटा, तो हॉस्टल बढ़िया मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन बेटा जो एडिट कॉलेज होते हैं उनमें फैकल्टी है ना वो गवर्नमेंट से भी अच्छी हो जाती है। सब सारे गवर्नमेंट से तो अच्छी नहीं हो जाएगी, लेकिन बेटा बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं उनसे अच्छी हो जाएगी एडिट कॉलेज में, क्योंकि प्राइवेट है, अच्छे कॉलेज हैं, प्राइवेट नहीं बेटा एडिट है ना, तो कहीं कहीं हमारा प्राइवेट थोड़ा सा मतलब क्या कहेंगे कि एक तरीके से प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट भी, आज सरकारी बोलते हैं ना बेटा, तो कहीं कहीं मैनेजमेंट का हाथ रहता है उसमें, वो उसको चलाने में रन करवाने में, है ना बेटा, तो ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है वहाँ पर। तो सर प्राइवेट कॉलेज भी कुछ मस्त हैं, ठीक है बेटा, जो अच्छा काम करवाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बेटा कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग बिल्कुल देखने नहीं जाते हैं, मतलब एडमिशन ले लिया कुछ भी नहीं हो रहा, टीचर भी नहीं है, तो ऐसे कुछ कॉलेज बंद भी हुए हैं। ठीक है बेटा, तो हमें ये देखना है कि यार वो प्राइवेट कॉलेजेस में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं कैसा है, क्लास चलते भी नहीं है बेटा, क्योंकि यार हमें कहाँ अच्छा लगता है जहाँ बच्चे अच्छे हों, क्लास चलते हों रेगुलर, है ना बेटा। तो ऐसा कॉलेज हमको देखना है पहले एडमिशन लेते समय, है ना, थोड़ा माहौल अच्छा हो, मज़ा आता है बहुत, कितना अच्छा लगता है सारे बच्चे हम लोग पढ़ने जाते हैं, है ना बेटा। तो ऐसे ही हम कुछ कॉलेज लेके आए हैं, अगर उसमें आप एडमिशन लेते हो तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो अब हम आपको कॉलेज के नेम बता रहे हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे स्टार्ट और इन्जॉय वीडियो। ठीक है बेटा, तो पहले पर हम देख रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो 20-22 हमारे हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ। तो बेटा लखनऊ में बहुत सारे
हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, एडेड भी हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी, दो तीन कॉलेज हैं। तो बेटा बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है पॉलिटेक्निक का, ठीक है। तो गवर्नमेंट में अगर हमें कोई कॉलेज मिलता है तो मच बेटर, बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है। तो पहला हमने बोल दिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ, दूसरा हमने उठाया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कानपुर, और फिर हमने तीसरा ले लिया है गवर्नमेंट जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ। और ठीक है बेटा, तो दो लखनऊ के हो गए, अभी और लखनऊ होंगे जिसमें गर्ल्स हमारे हैं, ठीक है बेटा, गवर्नमेंट। तो तीसरा मानने कौन सा लिया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गाजियाबाद, बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा, क्योंकि गाजियाबाद जो है ना वो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो कंपनियां जुड़ी रहती हैं, बहुत अच्छा कॉलेज चलता है, प्लेसमेंट भी अच्छा रहता है, तो आप देख सकते हो। घर से दूर है जिन बच्चों के लिए, यार कोई बात नहीं, घर से तो दूर निकलना ही पड़ेगा, नौकरी करेंगे आज नहीं तो कल, ठीक है। तो डोंट वरी, उस चीज़ को मत सोचिएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है हमारा गोरखपुर, काफ़ी अच्छा कॉलेज है बेटा, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। फिफ्थ वन हमारा पाँचवा है अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक मथुरा, बहुत अच्छा है ये भी बेटा, ठीक है। और हमारा सिक्स वाला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा, और हमारा है सेवेंथ वाला गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज हम लखनऊ। तो लखनऊ के तीन कॉलेज हम शामिल कर चुके हैं बेटा। इसके बाद है कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बादलपुर, ठीक है बेटा, बादलपुर। और हमारा एक कॉलेज हम भूल गए यहाँ पर बेटा, अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा जो है साधनपुर, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम शामिल करना चाहेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मैनपुरी बेटा, कौन सा, मैनपुरी वाला, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, मुरादाबाद में बेटा बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो बहुत अच्छा कॉलेज है मुरादाबाद वाला भी, 13th नंबर पर आया हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, कौन सा, रामपुर वाला, ठीक है बेटा। और फिर हमारा 14 नंबर पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद वाला भी बेटा बहुत अच्छा है, कंपनियाँ हैं वहाँ पर, ठीक, तो वहाँ पर एडमिशन हम ले सकते हैं। महात्मा गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर, और गांधी के नाम से वहाँ पर एक एडिट कॉलेज भी है जिसको हम बताएंगे मुजफ्फरनगर में, ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसमें भी हम एडमिशन ले सकते हैं। अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज फैजाबाद, फैजाबाद जो हमारी अयोध्या के पास है, बहुत अच्छा है ये भी बेटा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हमारा है सहारनपुर वाला, सहारनपुर ये भी अच्छा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बिजनौर वाला, ये भी अच्छा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोंडा में है, वो भी अच्छा है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बरेली, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है बेटा। अगला हमने 21 पर शामिल किया है, बल्कि 22 हो गए, एक साधापुर वाला शामिल करना भूल गया था, उसने भी जल्दी में बहुत कुछ अच्छा किया है बेटा, वहाँ से सिलेक्शन भी हो रहा है, प्लेसमेंट भी हो रहा है। 21 है हमारा मुरलीधर गजानंद पॉलिटेक्निक हाथरस वाला, ठीक है बेटा। तो भाई हाथरस जिसमें अभी हमारा देख रहे केस चल रहा है, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बहुत अच्छे जो हमारे एडिट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, बहुत अच्छे हैं बेटा, डोंट वरी। तो आप ले सकते हो एडमिशन अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट नंबर पे मुझे जो कॉलेज लगा है जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट देता है, हाइब्रिड पॉलिटेक्निक लखनऊ, ठीक है बेटा जी। दूसरा हमने शामिल किया है इसमें डीएन पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरठ, तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा लखनऊ वाले हाइब्रिड की बात कुछ अलग है, ठीक है। फिर हमने शामिल किया था इसमें JLNP महमूदाबाद MG पॉलिटेक्निक, ठीक है बेटा, तो ये पूरा इसका नाम है। तीसरे नंबर पर हमने शामिल किया, फिर हमने एक बेटा और बहुत अच्छा कॉलेज हमारा लखनऊ में, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, इस नाम से जो हमारा एडिट कॉलेज है, ठीक है बेटा। तो इस ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिएगा लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, ठीक है, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा देख करके आपको, उसकी बिल्डिंग सब कुछ, ठीक है बेटा। और भी चीज़ें हैं वहाँ पे, सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है, सब कुछ है बेटा, बच्चे बहुत अच्छे हैं, यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है, ठीक है। फिफ्थ वाला है बलवंत रूरल पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा एंड गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरनगर, मैंने बताया था गांधी पॉलिटेक्निक के बारे में, तो बेटा बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। हाँ, सिक्स नंबर पर है फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज रायपुर, ये भी बहुत अच्छा है, फिरोज गांधी के नाम से है, क्योंकि वहाँ पर अभी वो सांसद हैं, नहीं फिरोज गांधी नहीं है सांसद, कौन है, अरे राहुल के जो भी भाई साहब हैं वो, आपको पता होगा, ठीक है बेटा, नहीं पता सर्च कर लेना। सेवेंथ नंबर पर है
सेठ गंगा सागर जाटिया पॉलिटन, ठीक है बेटा। तो जी भी हमारा सेवेंथ नंबर पर आता है, अच्छा कॉलेज है। एट नंबर पर श्री राम देवी राम दयाल तिरुपति महिला पॉलिटेक्निक, ठीक है बेटा। तो सर्च करके देखिएगा इन कॉलेज को इंटरनेट पे, बहुत अच्छे हैं। सेठ जयप्रकाश मुकुंद लाल वुमेंस पॉलिटेक्निक, ठीक है बेटा। फिर हमारा आता है जनता पॉलिटेक्निक, उसके बाद आ जाता है जनता पॉलिटेक्निक बलिया, ठीक है बेटा। और हमारा ये भी बहुत अच्छा महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर, बहुत अच्छा। इंटरनेट पे देखिएगा कितना अच्छा बिल्डिंग बना है, आपको बिल्डिंग ही बहुत अच्छी लगेगी बेटा, ठीक है। अब कुछ कॉलेज हम बात कर ले रहे हैं इलाहाबाद की, तो बहुत अच्छी बेटा लोकेशन है इलाहाबाद, तो बिल्कुल आप इलाहाबाद में मिलता है तो वहाँ चले जाइएगा, ठीक है बेटा। लाइफ चेंज हो जाएगी वहाँ से आपकी, क्योंकि वहाँ बहुत माहौल है पढ़ाई का, हर तरीके की वहाँ पे स्टडी आप कर सकते हैं, बच्चे बहुत वहाँ पे तैयारी करते हैं, ठीक है बेटा। तो IERT इलाहाबाद, और उसके बाद चंदौली पॉलीटेक्निक चंदौली, ठीक है बेटा। जगह है वहाँ पर चंदौली, वहाँ पर बना हुआ है, बहुत अच्छा। और ये जो हमने लास्ट में जरूर डाला लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है, हंडिया पॉलीटेक्निक हंडिया, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा कॉलेज है, सर्च करिएगा इंटरनेट पर, ठीक है। तो ये हमारे 15 हुए एडिड गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब एडिड हैं, ठीक है बेटा। गवर्नमेंट की तरह होते हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बेटा, फीस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने मैक्सिमम बता दिया 25, नहीं तो कमी रहती है 19.5 तक, ठीक है बेटा। हाँ अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेज, देखिए बेटा टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज, 10-11 होंगे बेटा, ठीक है। तो पहला हमारा आता है, फिर से मैंने बात की लखनऊ, यार लखनऊ की मैं क्या बात करूँ, बहुत कॉलेज है लखनऊ में, प्रसाद पॉलिटेक्निक लखनऊ, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है IMS पॉलिटेक्निक खंगा वली जेपी नगर, ठीक है बेटा, जेपी नगर में है। उसके बाद है कमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर देहात, ये भी अच्छा कॉलेज है, कानपुर देहात में बना हुआ है, कानपुर से थोड़ा पहले पड़ता है। उसके बाद है JP इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी मेरठ, कई चीज़ें हैं बेटा, तो मेरठ भी अच्छी जगह है, आप जा सकते हो वहाँ पर। फिर मैंने लिया है 5th नंबर पर गोपी चंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहेराबाद पर, ठीक बेटा। अगला है कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मेरठ, ठीक बेटा। तो ये वाला हमारा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन IT के लिए बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है। और बेटा एक सुवारती पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरठ में है, तो बहुत अच्छा है, आप इंटरनेट पर देखिएगा इसको, प्राइवेट है लेकिन अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो हम थोड़ा जल्दी से बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो बेटा, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल नहीं, आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अगला हमारा देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बरहान इतमादपुर आगरा, तो ये आगरा का बेटा, सही है। और बेटा जो हमारा आजमगढ़ का आज़ाद पॉलिटेक्निक है, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा श्री गोपी चंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तो ये फार्मेसी ग्रुप ई वालों के लिए सही है। अगला बेटा 11th है वक्सी पॉलिटेक्निक मुजर और मच्छी शहर जौनपुर का है बेटा, सही है। फिर हमने इलाहाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फतेहपुर, तो ये फतेहपुर में है बेटा इलाहाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है बेटा। तो ये कुछ कॉलेज हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, जो बहुत अच्छे हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं, आप बिल्कुल नो डाउट नो टेंशन आराम से क्या करिए यहाँ पर एडमिशन लीजिए। अच्छा बेटा, अब हमने क्या कहा था कि लास्ट में हम आपको बताएंगे एक ज़रूरी बात ये है बेटा कि ये जो हमारे कॉलेज हैं, हाँ पहले तो ये बात है बेटा कि जिन बच्चों का नंबर कम है और ऐसे बच्चे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था पॉलिटेक्निक में लेकिन करना चाहते हैं, तो बेटा वो भी बच्चे हमारे एडमिशन ले पाएंगे एडिड और प्राइवेट कॉलेज में, है बेटा। तो कितनी अच्छी बात है कि जो बच्चों ने मतलब भूल गए बेचारे, नहीं फार्म अप्लाई कर पाए हैं, तो उनके लिए भी चांस है हमारे पास, तो ये इम्पोर्टेंट बात है बेटा। और ऐसे बच्चे जिनके नंबर बहुत कम है, कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो उनको भी कॉलेज मिल जाएगा एडिड या फिर हमारा प्राइवेट। और मैं बता रहा हूँ बेटा बहुत अच्छे कॉलेज, मज़ा आएगा एकदम पढ़ने में, यहाँ पे खूब क्लास चलेंगे आपके मस्त होकर के, ठीक है बेटा। तो इन कॉलेजों में आप खूब अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मस्त कॉलेज है। अच्छा बेटा, एक बार जहाँ मतलब एडमिशन लेना हो मुझसे पूछ लेना, और आप जा सकते हो वहाँ पे, विजिट कर सकते हो, घूम करके देखिएगा पहले, ठीक है बेटा। उसके बाद
अच्छा हाँ, और हाँ अब ये बात है कि कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया। तो बेटा हमारी जो सेवेंथ नंबर पे जो काउंसलिंग होगी, सेवेंथ जो स्टेज होगा, सेवेंथ एड, तो उसमें हमारे सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है, ठीक। इनके नंबर बहुत कम है, ठीक है बेटा, तो उनको गवर्नमेंट नहीं मिल सकता, ये मैं श्योर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप एडिड और प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, आराम से ले सकते हो। अब कहोगे सर बिना काउंसलिंग के, अरे यार बिना काउंसलिंग के फिर ऐसे कॉलेज मिल जाएगा है जिसमें फिर यार सब कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। काउंसलिंग से यार अलग बात है ना, तो अच्छा कॉलेज मिलेगा काउंसलिंग से आपको, प्राइवेट रहे तब भी अच्छा मिलेगा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं वो तो काउंसलिंग से भर जाएंगे, तो फिर तुम्हें कौन सा कॉलेज रह जाएगा जो खराब, अच्छा मतलब अच्छा स्कोप स्कोर नहीं है जिसका, वही तो कॉलेज रह जाएगा, वही तो एडमिशन वो लोग आपको बुला बुला के बुलाएंगे, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि वहाँ बच्चों ने एडमिशन लिया नहीं इसलिए, है ना बेटा। तो ये ऐसे कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे इनकी सीटें कैसे हैं बेटा, काउंसलिंग से ही भर जाएंगी ना, थोड़ी बहुत बचेंगी, ठीक। तो आप समझ गए होंगे सारी चीज़। तो बेटा अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हैप्पी बी हैप्पी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बेटा प्लीज़ 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 लाइक एंड कमेंट, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लें बेटा, क्योंकि ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए और पूछिए मुझे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप अभी बी हैप्पी, बाय।